गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा ज्योग्राफी का, उसकी रीडिंग यहाँ पर बेटा हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब आज हम देखते हैं बेटा उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर। ठीक है, सबसे पहला है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए उसके आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओरे। ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जो कि किसके अंदर आता है, आयरन ओरे के अंदर आता है। तो देखिए कौन सा रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, सेकेंड है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स दैट टिडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। है ना, ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जहाँ पर टिडल एनर्जी को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका रिप्लेनशिबल एनर्जी। जो रिप्लेनशिबल एनर्जी होगी वहाँ पर हम, ऐसा रिसोर्सेज है जहाँ पर हम टिडल एनर्जी को नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। मतलब पंजाब में जो डिग्रेडेशन के हमने पढ़ा था तो उसका मेन कारण क्या था, तो मेन कारण था वहाँ पर बेटा ओवर इरीगेशन। पढ़ा था हमने ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब वहाँ पर ओवर इरीगेशन हुआ था तो डिग्रेडेशन वहाँ पर ज़्यादा होने लगा था पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिसड। है ना, कौन सी इसमें जो ऐसी स्टेट है जो कि प्रैक्टिसाइड है, तो आंसर है इसका उत्तराखंड। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्री डोमिनेटेडली फाउंड। सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लैक सॉइल है बेटा वो कहाँ मिलेगी हमें, जो चार स्टेट दी है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये MCQ है। इस MCQ को आपको आंसर क्वेश्चन और डायरेक्टली आंसर आपको आपकी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं, बुक के अंदर ही नहीं रहने देना है, कॉपी के अंदर नोट करना है, क्वेश्चन उतार के डायरेक्टली आंसर आपको उसके अंदर लिखने हैं। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। है ना, कॉटन सॉइल हम किसे बोलेंगे, मीन्स ऐसी कौन सी सॉइल होती है जिसके अंदर कॉटन की खेती ज़्यादा होती है, कॉटन का एग्रीकल्चर वहाँ पर कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है। तो ब्लैक सॉइल इज़ नोन एज अ कॉटन सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल काफ़ी अच्छी होती है कॉटन की फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो आंसर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। दो टाइप के हमने देखे थे ना रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। तो क्लासिफाइड कौन से, ओरिजिन के बेसिस पे हमने उनको दो भागों में डिवाइड किया है, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है बेटा, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं। तो आंसर है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये दोनों एनर्जी ऐसी होती हैं जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे कौन से रिसोर्सेज जिनको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं, क्या होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारा इकोनॉमिक जोन आता है ना बेटा, उससे 200 माइल्स की डिस्टेंस पर जो रिसोर्सेज मिलते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, उन रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द फैक्टर विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। जो रिलीफ पेरेंट रॉक जो होते हैं या बेड रॉक जो होते हैं, क्लाइमेट, ठीक है, वहाँ का वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब किसी भी सॉइल को बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर वहाँ पर चाहिए, तो वहाँ का पहले तो वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, किस तरीके के रिलीफ वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर जो पत्थर है, जो रॉक्स हैं वो किस तरीके के मिल रहे हैं, वेजिटेशन किस तरीके का है, मतलब वहाँ पर जो खेती है वो किस तरीके से की जाती है, एटमॉस्फेयर किस तरीके का है, उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं।
What is the resources planning? Resources planning क्या होती है? Resource planning is paper, proper and judicial planning of resources. मतलब resources की जो planning है, जो resource available हैं, उनको हमें किस तरीके use करना है, किस तरीके से उन्हें बचाना है, किस तरीके से हम उसे और अच्छा बना सकते हैं, उसकी जो planning की जाती है, वो एक proper तरीके से की जाती है, judicious होती है, मतलब उसके अंदर कानूनी तौर पर उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर मानी जाती हैं, वो सबसे planning की जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? Resource planning बोलेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका वेरी शॉर्ट का, व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 टू कंबॉट एनवायरमेंटल डैमेज, है ना, जो पुअर्टी डिसीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एजेंडा 21 एक तरह का डिक्लेरेशन है जिसको सारी कंट्रीज़ ने, वर्ल्ड में जितनी भी वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स ने 1992 में साइन किया था, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है कि जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज होने से कैसे रोके जा सकता है, जो गरीबी है उसके ऊपर कैसे वर्क किया जा सकता है, अगर कोई बीमारियाँ फैलती है, डिसीजेज ऐसी होती है जो वर्ल्ड वाइड फैलती हैं जैसे कि आजकल फैल रहा है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए कॉमन इंटरेस्ट के साथ, मतलब सबका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए और सबका उसके अंदर कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब ग्लोबली कॉपरेट होना, कॉपरेट करना चाहिए सब लोगों ने, और जो भी म्यूचुअल नीड्स हैं वहाँ पर, जो भी ज़रूरतें लग रही हैं उनको, और उनको म्यूचुअल नीड्स को अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहाँ पर उनको आपस में क्या करना है, वहाँ पर आपको आपस में सभी चीज़ों को शेयर करना है, जो भी म्यूचुअल नीड्स वहाँ पर लग रही है कि अगर हाँ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये एक ही टाइप की नीड सबको लग रही है तो उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी शेयर करना है, ये नहीं कि एक कंट्री है तो वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, तो जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं वो सारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए और आगे उसको मैनेज करें।